हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चे को मींस जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो अपना थंब सक करते अंगूठा चूसते हैं तो क्या उनकी दांतों की सेप बिगड़ जाती है, या बच्चा थंब सक करने की वजह से ठीक से बोल नहीं पाता, उसका मस्तिष्क विकसित नहीं हो पाता या उसका शारीरिक या मानसिक विकास नहीं हो पाता, तो अंगूठा चूसने से बच्चे की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और क्या क्या मीन्स जो बुरे असर पड़ते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अंगूठा चूसने से होता क्या है, एक तो बच्चे को डिफरेंट टाइप की बीमारी लग सकती है। कैसे? क्योंकि गंदा बच्चा अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ों को टच करता है, टॉयज़ हैं, फर्श पे भी चलता है। अगर उसको थम्सअप करने की प्रॉब्लम है तो बच्चे जो थम्सअप करते हैं, उंगली चूसते हैं, वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको दस्त बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ उनके मीन्स बैक्टीरियाज वगैरह ये माउथ में डायरेक्ट उनके जा रहे हैं, वो चूस रहे हैं उसको, ठीक है। तो बच्चे के मीन्स पेट सही नहीं रहेगा, लूज मोशन की दिक्कत बनी रहेगी और बहुत जल्दी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। दूसरा, बच्चा बार बार उसको शक कर रहा है अंगूठे को, तो मस्तिष्क पर भी बच्चे की जो असर पड़ता है, बच्चा शारीरिक रूप से भी वीक रह जाता है, ठीक है। अब बच्चा लगातार शक कर रहा है, दिन में भी, खेलते में भी, सोते में भी, देखिए हर वक्त आप उसको नहीं ध्यान दे सकते हो, ठीक है। आप कभी किसी काम में बिजी हैं, बच्चा खेल रहा है और वो थम शक कर रहा है, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे का जो मानसिक शारीरिक विकास में भी बाधा आती है, वो भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। साथ ही साथ अंगूठा चूसने से क्या होता है कि बच्चों के जो ये ऊपर वाली जो मसूड़े होते हैं, ये गम्स होते हैं, वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, यानी बार बार उसको इस तरह से शक करने से वो हड्डी ऊपर की तरफ उठती है, मीन्स ये चीज़ ऊपर की तरफ उठ जाती है। और क्या होता है, जब बच्चे के टीथ आते हैं, मिल्क टीथ आते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है, गैप हो जाता है, टेढ़े मेढ़े टीथ हो जाते हैं, ऊपर की, नीचे के भी, ऊपर के भी, ठीक है। तो जो टीथ एक्चुअल में अच्छे शेप में आने चाहिए थे, तो वो थंब सक करने की वजह से जो बच्चों के गम्स हैं उनकी शेप बिगड़ती है, तो फिर टीथ आते हैं तो उनकी भी शेप बिगड़ जाती है, टीथों में गैप हो जाता है। तो ये होता है अंगूठा चूसने की वजह से। साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे जुड़ जाती हैं, बच्चा थंब सक कर रहा है तो जैसे आपने देखा कि दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे और दांतों में गैप होगा, तो बच्चे का मुंह भी खुला रहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बच्चों के हर वक्त माउथ खुला रहता है, जिससे बच्चे की टीथ भी गंदी रहते हैं, पर प्रॉपर तरीके से बच्चों की टीथ की क्लीनिंग नहीं हो जाती, नहीं हो पाती, बच्चों की टीथ में कैविटी आ जाती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थंब सक करने की वजह से होता है। साथ ही साथ जब बच्चे की शेप प्रॉपर नहीं है, टीथ में गैप आ गया है, तो बच्चे को बोलने में भी दिक्कत हो जाती है। कुछ बच्चे प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते हैं, शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ये तुतलापन भी बच्चों में कभी कभी इसके कारण बन जाता है, हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए और क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कि जब आपके बच्चे के मिल्क टीथ ही टेढ़े मेढ़े आए हैं, तो जो उसके परमानेंट टीथ आएंगे उन पर भी बहुत असर पड़ता है, वो भी बच्चे के लाइफ टाइम तक बच्चे के जो टीथ होंगे वो टेढ़े मेढ़े होंगे, यहाँ तक कि बच्चे की टीथ में गैप भी लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं देते हैं, बच्चे की केयर नहीं करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका बच्चा थंब सक कर रहा है, ठीक है, छोटे से इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि छोटे से बच्चे की आदत पड़ती है। तो जब भी देखिए, बच्चा हम थके हुए होते हैं, रात में हम सो जाते हैं, ठीक है, और बच्चा हमारा क्या कर रहा है, सो भी रहा है, लेकिन वो बराबर थंब सक कर रहा है, तो उसका मस्तिष्क तो कमज़ोर होगा, साथ ही साथ बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं और माउथ की जो गम्स हैं उनकी शेप भी बिगड़ रही है, जिससे उसकी टीथ भी खराब आएंगी। तो आपको क्या करना है, जब भी बच्चा सोए तो उसे आप मिटन्स पहना दें, या फिर कुछ ऐसे बच्चे के हाथ पर रैप कर दें जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से उसको शक ना करें, और अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखें बच्चे पर, जब भी आप उठ रहे हैं तो चेक करें कि बच्चा कहीं माउथ में अंगूठा लेकर या उंगली लेकर तो नहीं सोया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट रहता है, हमारे लिए प्रॉब्लम करने वाला होता है, क्योंकि हम भी थके हुए होते हैं, हर वक्त बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते, लेकिन आप जितना हो सकता है अपने आप को अवेयर रखें और बच्चे को थम्सअप ना करने दें। साथ ही साथ कुछ ऐसे लिक्विड भी आते हैं, या कुछ आप ऐसा तीखापन या कुछ ऐसी चीज़ें बच्चे के थम पर जब भी बच्चा फ्री टाइम में लगा दो, तो बच्चा उसे शक करेगा ना, तो वो उसको नहीं करेगा, और मीन्स उसे टेस्ट कड़वा लगेगा तो वो उसको शक नहीं करेगा, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखें कि वो हाथ बच्चे अपनी आईज में ना लगा पाए, लेकिन तब करें ये चीज़ें जब बच्चा आपको सो रहा हो उस टाइम आप करें। दिन में वो अगर खेल रहा है, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको आप उसको थम सक करते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको हैंड को बाहर माउथ से। तो ये बार बार आपको रिपीट करना पड़ेगा अगर बच्चे इस तरह से एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगी कि बच्चा सोए तो उसे मिटेंस वगैरह पहना दें, या कुछ प्रकार का ऐसे बिटर सब्सटेंस कुछ ऐसा लगा दें, कुछ लिक्विड या सॉल्यूशन ऐसा कुछ लगा दें जिससे कि उसको वो थम सक नहीं करेगा। ठीक है, कोशिश करें बच्चे का पेट भर के रखें, क्योंकि बच्चे जब भूखे होते हैं तब भी भूख के कारण भी बच्चे क्या करते हैं, थम सक करते हैं या उंगली पीते हैं, या फिर किसी प्रकार से बच्चा इरीटेट है या गुस्से में है। जब बच्चे बड़े होते हैं तब भी बच्चे क्या करने लगते हैं, नेल बाइटिंग करने लगते हैं, थम सक करने लगते हैं। तो बच्चे को थोड़ा सा कोशिश करें रोने ना दें और भूखा ना रखें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बच्चे की ये आदत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि थम सक करने से या उंगली सक करने से बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, तो आपको बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा अवेयर रखना है। जब बार बार आप बच्चे को मना करोगे या हटा दोगे या कुछ ऐसी चीज़ें करोगे कि जिससे बच्चा थम करना मिस कम पहले तो कम कर देगा फिर, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो हैबिट है ये बिल्कुल हट जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको बस यही कोशिश करनी है कि आपके बच्चे की शेप ना बिगड़े, प्रॉपर तरीके से वो बोले ना, तो मैं कैविटी ना आए या गैप ना रहे, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।